So now we are at India's biggest snow park at Imagica. Panda. Glue भी बनाया हुआ है उसके अंदर चल. Oh wow man. What's up guys and welcome back to my channel once again. आई एम श्री दिवाड़िया जो मैं पुणे के आजूबाजू के ब्लॉग्स बनाते रहता हूँ. सो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ इंडिया के सबसे सबसे बड़े स्नो पार्क में जो कि है एडम्स इमेजिका. अभी चलते हैं फटाफट, लेट हो चुका है ऑलरेडी, 10:30 बजे का टाइमिंग है वहां का एंट्री का. सो अभी बिना वेट मैजिका अभी स्नो पार्क के लिए चलते हैं. यहाँ से अंदर यहाँ पे टिकट की लाइन है, यहाँ से यहाँ आके टिकट लो. यहाँ पे इमेजिका का एक स्नो पार्क का एक टिकट की कॉस्ट है 499 प्लस GST. यहाँ पे चेकिंग कराने के बाद यहाँ पे सैनिटाइजर है, मीन्स सैनिटाइज हो जाती है बॉडी. उसके बाद यहाँ पे टिकट की लाइन है पूरी. यहाँ पे सब आकर आप यहाँ पे भी टिकट ले सकते हो, ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हो. पूरा इमेजिका का पैकेज है एक कुछ 1200 का, 1200 प्लस स्नो वर्ल्ड का है 399. तो ये दोनों मिला के आप ले सकते हो, या तो सिर्फ स्नो वर्ल्ड करना है तो उसके आप 499 है. ये टिकट की प्राइस है पूरे इमेजिका की. मैंने आपको कहा कि हम पहले आ चुके यहाँ पे, तो यहाँ पे और तीन नए राइड्स ऐड हुए, वो तीनों राइड्स और स्नो पार्क भी कर रहे हैं हम. तो टोटल टिकट की प्राइस पड़ी पर पर्सन 1500 रुपीज पर पर्सन. तो भी चलते पहले स्नो वर्ल्ड करते हैं, देन अंदर का जो भी राइड्स है वो सब करते हैं और आपको बताते हैं इमेजिका. काफ़ी धूप होती है, मीन्स पूरा ओपन एरिया है, मीन्स तो यहाँ पे हैट्स वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा घर से हैट्स वगैरह पहन के आओ. वाटर बॉटल्स ला सकते हैं तो लाओ, सनग्लासेस लाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी एकदम स्किन जलाने वाली धूप है. फाइनली रेस्ट सो इमेजिका की में, मीन्स फोन्स अलाउड नहीं अंदर, सबके फोन्स रखने पड़ रहे. अगर आपको फोन्स ले जाना है, रिकॉर्ड करना है, फोटो खींचना है, आपको कुछ चार्जेस है 70 रुपीज़ वो पे करके. तो मैंने मेरे फ़ोन के कर दिए, कैमरा तो अलाउड ही नहीं अंदर. सो फोन से आपको ब्लॉग शूट करके बताते सब. आप लोग सब एक्साइटेड है राइट स्नो कश्मीर जाने के लिए? कश्मीर जा रहे हैं हम भी, नहीं एक्चुअली 10-15 साल हो गए कश्मीर नहीं. बचपन में जब छोटे छोटे बच्चे थे, हम छोटे नन्हे मुन्ने थे तब गए थे, तब क्या हमको पता रहता. अब तो शिमला में गए थे, मनाली कुल्लू मनाली शिमला बहुत बर्फ थी, मैं तो बर्फ में नहा रहा था. हम भी नहा रहे थे लेकिन हमको कुछ याद नहीं. इट्स लाइक कोई हम पिछले जन्म की बात याद कर रहे. ये जन्म में आपको स्नो इमेजिका दिखाते हैं, लेट्स गो. दिया जाएंगे शूज, दिए जाएंगे, मुझे भी दिए गए हैं ये शूज, पहनते अभी. एंटर कर चुके हैं सबने पहनकर. फ्रीकिंग चिल्ड आउट एयर, -5 डिग्री है. वाह फ्रीक, वाह. ये देखो आप सब देख सकते हो, अभी यहाँ से हम स्लाइड करने वाले, आपको दिखाते हैं, लेट्स गो. हाँ ये एक्चुअली 45 मिनट्स का टाइम है, लेकिन ये पापा इस मुझे लगा स्लिप होगा. अरे एंड गाइस दिस इज रियल आइस है, रियल आइस है, मेंटेन आइस है, उन्होंने मेंटेन किया, ऐसा फेक नहीं है, आप जरूर आओ. बहुत चिल्ड यार, बहुत चिल्ड मम्मी. With Panda. ग्लू भी बनाया हुआ है उसके अंदर, चलते वाड़िया साहब चलो अंदर, लेट्स गो. कोई नहीं होता, चलो चलो मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ अंदर इग्लू के अंदर. ओ वाव मैन, वाव क्रेजी. चेरी कम, अबे ये बर्फ है पूरा. ये पूरा बर्फ है, ये जो है ना बर्फ है. और ये देखो इसके ऊपर बैठ सकते हैं, वाव. टंगी फ्रीजिंग, मुझे कुछ बोलने नहीं आ रहा, मतलब देखो पूरे फ्रीज हो चुके. ये स्की डाइविंग करने वाले, मतलब ये पकड़ के नीचे आने वाले, देखो आप काफी मजा आने वाला. तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, चेरी मेरा यहाँ से शॉट लेंगे, आप देख लो. रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, तो अभी हम हमारे इग्लू में जाके बैठ जाते हैं. कोई नहीं तो भालू आ जाएगा हमको खाने. भागो जल्दी, भागो भागो भागो, और मैं मेरे इग्लू में चले जाता हूँ. चलो मेरे साथ आओ इग्लू. लगा आपको मेरा इग्लू? यहाँ पे ना टीवी है ना फ्रिज है, फ्रिज की तो वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन जो भी है ऐसा ही, अभी यहीं पे रहने वालों में मेरी जिंदगी भर.
कुछ मेडिटेशन करूंगा। यहाँ पे डांस फ्लोर है तो डांस भी कर सकते हो आप, इसलिए लाइट्स बंद हुए। सेशन खत्म हो गया, मुझे बोला भी नहीं जा रहा, टंग इतनी फ्रीज हो चुकी है। अंदर आने के बाद यहाँ पे एक ऐसा चेंजिंग एरिया है, यहाँ पे ये सब जैकेट, ये शूज सब निकालने पड़ते, पैर इतने डिस्कम्फर्टेबल कपड़े ये मीन्स शूज एंड ऑल, लेकिन इनके शूज ही पहने होते बिकॉज ऑफ क्लीनलीनेस इशू, हाइजीन इशू, बाहर के शूज अलाउड नहीं है, वो बर्फबंदी हो जाएंगी, इसलिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है फिर भी मैं बात कर रहा हूँ, तो चलते शूज जैकेट एंड डिपॉजिट होते हैं, यहाँ पे मेरा ही जैकेट है तो अभी थक गए थे तो भैया से थोड़ी बहुत ये चॉकलेट मिल्क शेक ले लिया। तो तूने क्या ली? मैंने ऑरेंज रिफ्रेशर। ऑरेंज रिफ्रेशर लिया, पापा कॉफ़ी ले रहे देखते क्योंकि बहुत ज़रूरत है। हाँ ये तो सही है, और लेकिन अंदर बहुत थकावट हो रही है, मैं काफ़ी टायर्ड हो रहा है क्योंकि एनर्जी डबल लग रही है, सूप पे चलने, वाटर पे चलने, एनर्जी डबल लगती है, सो इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अभी कुछ खाते भी, खाने की पार्टी मम्मी दे रही है, क्या बात है, बहुत पैसे वाली है मेरी मम्मी। काफ़ी बड़ी शिप बनी हुई है, देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा है, मीन्स ये शायद रेस्टोरेंट है, ऊपर कैफे, सॉरी, यहाँ पे आप कैफे वगैरह में अगर आपको भूख लगी तो खा सकते हो। अभी हम यहाँ अंदर जा रहे हैं, एक चीज़ है यहाँ पे, क्या है पता नहीं, लेट्स सी इमेजिका, वी आर द स्टार्स ऑफ इमेजिका, लेट्स गो इन। इल्यूजन में जा रहे हैं, मीन्स अलग अलग तरह के इल्यूजन होंगे यहाँ पे, हम ये आई इल्यूजन में आए, मीन्स यहाँ पे ऐसे कुछ फोटोशूट टाइप है, तो इसका रिक्रिएट कर सकते हैं मेमोरीज। अभी ये ततड़ ततड़ है शायद रणवीर सिंह वाला, वो ट्राई करते हैं। क्या कर रहे हैं क्या मालूम, ये सिर्फ वो ऐप के थ्रू हो सकता है। अरे क्या कर रहे हो ये, अच्छा इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ऐसे। मैं आसमानों की ऊंचाई में दुबई में स्काई डाइविंग कर रहा हूं। आप सब सोच रहे होंगे मेरी हाइट कैसे बढ़ गई, मैं इतनी छोटी कैसे हो गई, बिकॉज इट्स इल्यूजन। आप देख सकते हैं जैसे ये स्लोप है, दैट्स व्हाई आंखों का धोखा है, पूरा पूरा मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है, अभी जो वॉर हो रहा है वो सब आंखों का धोखा ही है। एवेंजर्स के मेंबर हल्क साहब यहाँ पे कुछ तो कर रहे, हम भी चले जाते, बहुत देर से शो आ रही थी मुझे। देखो पापा आप क्या कर रहे हैं, घोड़े पे बैठ चुके हैं, क्या हो रहा पापा आपको? गेम चालू। तो मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूँ मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, क्या आप मैजिक देख सकते हो, मैं हवा में उड़ना सीख गया हूँ, क्या हो इतना एक साल की हवा में अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश है। पाक हो गया और ये इल्यूजन भी हो गया, अभी खाना खाते हैं यार, बहुत भूख लग रही है और काफ़ी धूप है। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, हाइजीनिक है, मीन्स काफ़ी जगह बैठने को भी है, थाली सिस्टम है, मीन्स नॉर्थ इंडियन थाली, गुजराती थाली, महाराष्ट्र थाली, तो हमने नॉर्थ इंडियन और गुजराती, गुजराती नहीं ली, महाराष्ट्र लिए, तो आपको दिखाते हैं उसमें क्या क्या था। हाँ ये नॉर्थ इंडियन है, पनीर बटर मसाला, बिरयानी, दाल, गुलाब जामुन, रोटी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। महाराष्ट्र, थैंक यू सर, नॉर्थ इंडियन एंड महाराष्ट्र, काफ़ी अच्छा है मेन्यू। एंड पापा ने ये ड्रिंक्स वगैरह ले लिए कुछ, वो पीते हैं, खाना खाते पेट पूजा कर लेते, थोड़ी बहुत भूख लगी है। ये क्या है चेरी, ये वाला टैंग, यहाँ पे एक प्लेट 400 रुपीज के करीब है कुछ, मीन्स काफ़ी हाई रेट्स है, क्या है आए तो खाना पड़ेगा ये सब। जैसे USA जापान वगैरह में डिज्नीलैंड है, वैसे हमारे महाराष्ट्र में पुणे में मुंबई के आसपास इमेजिका है, तो ये इमेजिका ये डिज्नीलैंड जैसा कुछ बना हुआ है, यहाँ पे रात को वाटर शो भी होता है, काफ़ी कमाल का है, और बहुत सारे गेम्स है खेलने को, उसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा मैं, इसलिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं पहले 3-4 बार आके गया हूँ, तो इस बार सिर्फ स्नो वर्ल्ड का प्लान था, स्नो मैजिका का, बट ये 3-4 उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दे दिए, तो वो किए हमने, आपने देखा, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दो। और कैसा लग रहा है इमेजिका, बेसिकली आप बताओ, ये अभी हम शिप के ऊपर खड़े देख सकते हो आप, रात में जो लाइट वर्क होता है यहाँ पे, ये जो वाटर शो होता है लाइट का, काफ़ी कमाल का होता है, वाह देख रहा है इमेजिका, वंडरफुल। पापा फर्स्ट टाइम नहीं, एक बार आए थे बट गेम्स वगैरह नहीं खेलते, ये लोग बूढ़े हो चुके हैं, हड्डियों में जान नहीं रही। अरे वाह, ऐसा कैसे काफी अच्छा है यहाँ पे, पूरे झील के पास है, नकली झील बनाई हुई है डिज्नीलैंड के सामने, इमेजिका लैंड के सामने। पे एक विश ट्री भी है, अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो उनको ऐसा लिख के लेटर रख सकते हो यहाँ पे। अच्छा मैं जाके खड़ी हो गई, आप खड़े हो गए वहाँ जाके, ऐसा मम्मी देखो आपके लिए लेटर लिख रही है वहाँ पे, आई लव सूरज। नहीं, 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 बस अपना अच्छा
दिस द मेन बिल्डिंग ऑफ इमेजिका, इमेजिका कैपिटल। सेम रामूजी वाली याद आ गई मुझे, इसका एंट्रेंस देख के तुझे रामूजी की याद नहीं आती? सेम रामूजी की जो एंट्रेंस है सेम है, मीन्स आप ये देख सकते हो, याद आ गई हैदराबाद की। वाह वाह, ये देखो कमाल का है। आप सभी का स्वागत है अरेबिक दुबई में, दुबई काइंड ऑफ सिटी में, पूरा वैसा वाला फील है ना, right. है क्या नहीं चेरी? ये जो पेड़ भी पूरा लगा है वैसे ही लग रहा है पीछे का, दुबई राइट नाउ। या मतलब उसको सर पे पसीना आ रहा है। मैंने स्नो वर्ल्ड के लिए, स्नो मैजिका के लिए पहना था जैकेट, जानी वाला ठंडी जो शिमला मनाली में पहनते ना। मैं आपको दो तीन ब्लॉक्स पहले कहा था मैंने जानी का जैकेट लिया, वो यही था। टच कर रही हूँ, टी शर्ट गिल्ला हो गया पूरा, मतलब हद से निकाल दे वो। चलते अभी यहाँ से ग्लो मैजिक में, जहाँ पे सेवन वंडर जो भी है इंडिया के नहीं, इंडिया के थोड़ी वर्ल्ड के जो भी सेवन वंडर्स है उनका एक रेप्लिका बनाया गया है जो कि ग्लो होता है। ये देखो ताजमहल कितना कमाल का है, वाह। ये क्या है, तू उल्टे लव में बैठा है? उल्टा ही होता है। आज का एक्चुअली जो प्लान था हमारा सिर्फ स्नो पार्क का था, स्नो पार्क जो है स्नो मैजिक का, एक्चुअली इतना बड़ा हमने अभी यूं ही ऐसी जस्ट चेक कर रहा था और देखा मैंने कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हमारे। थैंक्स अ लॉट गाइस, मतलब इतना प्यार दिखाने के लिए। हाँ, मेरे बर्थडे को ये व्लॉग आएगा तो थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स गॉड, बट थैंक्स आप लोगों के लिए। मम्मी पापा भी अच्छा इन्वॉल्व होते हैं, मतलब डैड तो सुपर स्टार है मेरे व्लॉग्स के। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तो अभी सभी सब्सक्राइबरों को जो लोगों ने प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू। और मेरे बेटे को जितना हो सके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो और शेयर करो। राइट, सो नाउ वी आर एग्जिटिंग, मिस इट फॉर टुडे। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो करना है कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो। तो अभी हम चलते हैं घर पे, अभी निकल रहे यहाँ से। घर पे पहुँचते 4-3 घंटे लगे ना पापा? राइट, तो 3 घंटे लगेंगे, मतलब शाम हो ही जाएंगे, 7-8 बजे जाएंगे। तो घर पे पहुँचते और नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करो, कल या परसों, हर अल्टरनेट डे आता है मेरा व्लॉग। तो बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू अगेन फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। ये तो बस शुरुआत है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, छोटा सा माइलस्टोन है। आगे और बड़े बड़े माइलस्टोन सेलिब्रेट करेंगे आप लोगों के साथ, है ना पापा? यस, 100%। बाय बाय, मिलियंस बिलियंस होते एग्जैक्टली। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।